नैनीताल के भीमताल नल दलमयंती ताल में आज सुबह गुलदार घर में घुस गया। गुलदार ने पहले घर में बनाए कमल के पौंड में कूद लगाई, फिर सीढ़ियों के सहारे घर के आंगन में कुछ देर रुकने के बाद वापस जंगल की ओर लौट गया। गुलदार के आने से स्थानीय लोग दहशत में हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों का कहना है कि यह गुलदार हर किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन पहली बार करीबन 5 साल का है जो गुलदार सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ, लेकिन आसपास के लोगों में इसको लेकर डर का माहौल व्याप्त है। मैं ये गुलदार करीब 5 बजे के दरमियान यहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद उसने सीधे मकान के चारों तरफ घूम करके एक कमल की टंकी पे गोता लगाया और अपने बदन को पोंछ करके वहाँ पर कुछ मिनट बैठे रहा। बैठने के बाद वो वापिस जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापिस आ गया। और ये जो जंगली जानवर है, ये हमारी सब भाषाओं को हमको सबको समझते हैं और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। यहाँ पर मे भी कुत्ते हैं, इनकी वजह से घूमते घामते उनका अपना यहाँ पे जंगल बना हुआ है। यहाँ पे तो 7 लाख पेड़ लगे हुए हैं और लगाए हुए हैं मैंने ऑल ओवर उत्तरांचल में, और इन जंगलों में अपने घूमते रहता हम इतने जंगलों की एरिया में रहते हैं। ठीक है। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।